सभी नारी शक्ति को मेरा नमन, नमो नमो, शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ आज होली का भी त्योहार पूरे देश विदेशों में मनाया जा रहा है। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो सबको होली का त्योहार। इन्फो सेतु परिवार की ओर से तमाम लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास बड़ा ही गरिमामय और विस्तृत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सर्वप्रथम 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। इसका शताब्दी आयोजन 2011 में मनाया गया। इस लिहाज से 2023 में दुनिया 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 1996 में पहली बार इसके आयोजन का एक थीम को अपनाया था। वह थीम थी अतीत का जश्न मनाओ, भविष्य की योजना बनाओ। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 23 फरवरी और दिन था रविवार। यही दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 8 मार्च था और तब से लेकर अब तक महिला दिवस मनाया जाने लगा। इस दिवस को प्रदर्शित करने का खास रंग बैंगनी, हरा और सफेद, ये तीनों रंग विमेंस डे के रंग है। बैंगनी रंग न्याय और गरिमा का प्रतीक, हरा रंग उम्मीद और सफेद रंग शुद्धता का सूचक माना गया है। हर देश की महिलाओं ने इस दिवस को स्पेशल बनाया है और मनाया है। 2023 की थीम एम्ब्रेंस क्विटी रखी गई है, जिसमें घर, परिवार, समाज में भागीदारी, उपस्थिति, योगदान और उनकी ताकत सराहने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है। आज हम उन्हीं नारी शक्तियों को अपना अपना विचार साझा करने का ये मंच दिया है। प्रस्तुत है उनके विचार, उनकी जुबानी। धन्यवाद। समाज के निर्माण का आधार है नारी। अकेली होकर भी पूरा परिवार है नारी। कभी माँ, कभी पत्नी, तो कभी बहन बनती है। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। सभी नारी शक्ति को मेरा नमन और सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की प्रशंसा करते हुए उनके योगदान एवं उपलब्धियों को पहचान दिलाने के लिए 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, समाज और देश के विकास के लिए बड़ा योगदान दे रही हैं। हमारे समाज के लिए महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर रहा है। कला व शिक्षा के क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, खेल, राजनीति व आर्थिक मोर्चे पर भी आज पूरे विश्व में महिलाएं अपनी पहचान बना चुकी हैं। हमारे देश की बात करें तो गार्गी व मैत्रेयी से लेकर भारत की वर्तमान राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी तक संघर्षशील व सफल महिलाओं की एक लंबी कतार है, जो इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने देश की महिला साक्षरता की बात करें तो आज यह लगभग 60-65% है। और यह बात तो हर कोई जानता है कि माँ ही बच्चे की पहली शिक्षिका है, और अगर माँ शिक्षित हो तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर लेती है। इन सबके साथ ही आज के दिन यह भी याद करना चाहिए कि भारत हो या विश्व की बात करें, हर क्षेत्र में उन्हें बराबरी के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यह संघर्ष न केवल बराबरी के हक पाने के लिए बल्कि उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी है। आज हर क्षेत्र में स्त्री सशक्त है, परंतु उसके समानांतर उसका शोषण भी जारी है। निसंदेह यह बहुत ही दुखद है। इस पर हम सभी को मिलकर काम करने एवं सोच बदलने की आवश्यकता है।
और कुछ सशक्त कानून भी बनाने जरूरी है। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यशस्य पूजन्ते नारिस्तु तत् रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारी संस्कृति को बनाए रखते हुए नारी का सम्मान कैसे किया जाए, इस पर विचार करना आवश्यक है। माँ अर्थात माता के रूप में नारी धरती पर आई है, और अगर हम एक माँ को देखें तो मैं ये देख पाती हूँ कि वो माँ एक मल्टीटास्कर है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी फैसेटेड है। वो कई हाथों से बच्चों की रक्षा भी करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, बच्चे का लालन पालन भी करती है। बच्चे हमारा भविष्य है और इन बच्चों की प्रथम शिक्षिका माता होती है, इसलिए महिला का सम्मान करना बहुत जरूरी। नमस्कार, दिस इज सरिता मुर्मू, असिस्टेंट प्रोफेसर NSHM नॉलेज कैंपस दुर्गापुर, विशिंग एवरी वेमेन अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वेमेन्स डे। नारी सामंजस्य कुशल वास्तुकारा, अर्थात स्त्री समाज की कुशल वास्तुकारा है। विमेन आर द स्किल्ड आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड एज द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल वेमेन्स डे इज डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी। सो वी एज विमेन, we need to realize that if we really want to bring in gender equity, we need to upgrade ourselves digitally, because we see everything is digital today, be it pursuing higher qualification, maybe communicating with people and sharing our views, maybe looking for jobs, or maybe keeping us aware of the government schemes and policies. It is all digital. So, if we only upgrade ourselves digitally, we can be aware of our surroundings and we can make the best use of innovation and technology in this digital world. Rashtrasya shva nari asti, arthat, women is our tomorrow. So, if we together help each other to upgrade ourselves digitally, will be able to bring in gender equity in the society. Once again, wishing everyone a very happy International Women's Day. Thank you. Namaskar, मैं Life Transformation Coach Rashmi Saha. संस्थापिका हूँ मुक्ति मिशन, एक NGO जो कि काम करता है महावारी और मानसिक स्वास्थ्य पे जागरूकता फैलाने की। मेरी ओर से आप सभी को, सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और दिन जब हम औरतों की सक्सेस को, उनके चैलेंजेस को, उनके स्ट्रगल्स को, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे। पर एक छोटी सी दरख्वास्त है, क्या हम कोशिश कर सकते हैं इस बार एक समाज की तरह एक औरत के चैलेंजेस को समझने के लिए जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करती है, दफ्तर में, घर में, स्कूल में, सड़कों पर, क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसे समझें और एक समाज की तरह उसे सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि उसके अंदर जो डर है, जो झिझक है, जो परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुलझ सके और ये दुनिया और ज़्यादा खूबसूरत बन सके, और ज़्यादा मजबूत बन सके। छोटी सी कोशिश है, घर से शुरुआत कर सकते हैं। इतनी ही दरख्वास्त है मेरी इस बार आप सबसे महिला दिवस के दिन। आशा करती हूँ कि ये दुनिया हमारे लिए थोड़ी सी और ज़्यादा सुरक्षित हो पाए, थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत हो पाए। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी तमाम बहनों को शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर हम सब महिलाएं अपने अधिकार और स्वतंत्रता की किस तरह प्राप्त करें और अभी तक हमें कितनी सार्वभौमिक रूप से हमें मिली है या नहीं मिली है, इस पर हम विचार करें। हमें ये स्वीकार करना चाहिए, दुनिया तो प्रगति बहुत की है लेकिन अभी भी एक बहुत लंबी रास्ता हमें तय करना है। आइए आज हम
सोचने के लिए इस अवसर में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम विभिन्न क्षेत्रों में जो लैंगिक अंतर्भेद है, इस भेद को कैसे मिटाया जाए, इस पर हम विचार करें। आज हम अपने जीवन में उन महिलाओं का श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो हमें प्रेरित करती है, तमाम बाधाओं अभृत पस्तियों के बावजूद दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और जिनके प्रोत्साहित से आज हम उस जगह पर खड़े हैं। हम सभी उन महिलाओं को आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिनके वजह से आज हम इस पोजीशन में, इस स्थान पर पहुँचे हैं। धन्यवाद। मैं श्रीमती अंजला चौहान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर तमाम नारी शक्तियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन बेला पर मैं अपनी बात साझा कर रही हूं अपनी जुबानी। यस्य पूज्यते नार्यस्तु तत्र रमणीयन्ते देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। सदियों से सुनते आ रहे हैं परंतु क्या समझते भी जा रहे हैं? नारी को हमने देवी बना दिया, पूजा कर ली, शक्ति का प्रतीक बना दिया। अब तो नारी को आज के समाज में पढ़ाई लिखाई का अधिकार, बाहर काम करने का अधिकार व इच्छा बराबरी का मान भी दिया। पुरुष वर्ग ने अपना बड़प्पन दिखाया। अगर आप चौका बर्तन, घर गृहस्थ, बच्चों की देखभाल में अलावा काम कर सकती है तो हमें कोई गुरेज नहीं। नारी ने भी सबला बनने की राह पर चलने के लिए सब कुछ स्वीकार कर लिया। बिना अवसर गंवाए उन्होंने सब कुछ संभाल लिया और देवी से सुपर वुमेन बन गई। कईयों ने तो अष्ट भुजाओं वाली नारी का नए अवतार की कलाकृति ही बना डाली। हाथों में कलछी, किताब, झाड़ू के साथ निकल पड़ी अपने नए सफर और मंजिल की ओर। कुल मिलाकर मशीनी जिंदगी, संघर्ष किचन से लेकर ऑफिस तक, 21वीं सदी की स्वतंत्र, स्वशासी, सबला नारी फिर भी पुरुषों के बराबरी का स्थान आज भी रिक्त ही रहा। क्या देवी से सुपर वुमेन बनने तक का सफर में वह दो पल की मुस्कान अश्रुधारा बनकर रह गई? सुपर वुमेन की दौड़ में खुद को पा तो लिया, हाले दिल किसी ने नहीं पूछा ना ही समझा। इस भागती हुई जिंदगी में अपनी पहचान चाहती है, एक दिन ही नहीं पूरा आसमान चाहती है। सदियों से कहती आई है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूछती है, क्या तुम्हें कबूल है? धन्यवाद। मैं श्रीमती रेखा देवुका, स्त्री रोग विशेषज्ञ, देवुका नर्सिंग होम, लालपुर, वर्धमान कंपाउंड, रांची से सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। चैनल के माध्यम से आज मैं अपना विचार साझा कर रही हूँ। आदि शक्ति नारी, धरती संबोधन माता का, भारत संबोधन माता का, तात्पर्य सर्वत्र व्याप्त नारी का, बेटी से पत्नी फिर माँ, माँ शब्द उच्चारण से भक्तिभाव का, पूजा अर्पण का, बहन कहने से स्नेह का, पत्नी प्रेम का, गरिमामय इतिहास नारी का, वीरांगना से लेकर आज हर क्षेत्र में नारी, जिसे क्या चाहिए, पुरुष वर्ग इन्हें सम्मान करे, आगे बढ़ने का बढ़ावा दे। देखा जा सकता है सबके जीवन का है जो आधार, नारी है सबसे बेश कीमती ईश्वर का उपहार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रण ले हर दिन होना चाहिए एक महिला के नाम, क्योंकि एक महिला बिना रुके करती है हर काम। हैप्पी विमेंस डे ऑल ऑफ यू। जोहार, मैं सुनीता सिंह, लाली फाउंडेशन की सचिव, आप सभी महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ होली की भी शुभकामनाएं आप सभी को।
आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन रेप, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ जैसी बातें आज के समय में आम बात हो गई हैं। इन बातों से पुरुष वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कानून लचीला है और हम सभी महिलाएं इन घटनाओं को सुनने सहने की आदि हो गए हैं। कानून में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन और सुधार करने की ज़रूरत है। महिलाओं को थाना में FIR दर्ज करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके साथ महिला ही पूछताछ करे तो बेहतर हो। कभी कभी महिला परेशान होकर FIR करना छोड़ देती हैं। उन्हें पुरुष द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना मुश्किल होता है। कानून को लचीला बनाना चाहिए ताकि हर पड़ी पीड़ित महिला को सुविधा हो। महिलाओं और लड़कियों को निर्भीक होकर जिंदगी जीने के लिए एक अच्छे माहौल का होना जरूरी है। महिला अपनी जिंदगी निर्भीक होकर जिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। महिलाएं अपनी रक्षा करना खुद सीखे, अपनी बेटियों को जूडे कराटे सिखाए, ना कि सिर्फ सिलाई कढ़ाई और संगीत पर ध्यान दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्रीमती रोजी प्रकाश, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्वर्ण रेखा अस्पताल टाटी सिल्वे रांची से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी कामना, देश की हर महिलाएं शिक्षित, सशक्त और जागरूक बने, अपने परिवार के साथ अपने स्वास्थ्य और जरूरतों का ध्यान रखें, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में सहयोग प्रदान करें। हर नारी की एक ही मांग, हर जगह मिले उन्हें सम्मान। धन्यवाद। नमो नमः। मैं श्रीमती मंजू महतो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी नारी शक्ति को सादर नमन एवं सबको हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ चंद लाइनें साझा करती हूँ। मेरी कविता की शीर्षक है नारी शक्ति। आज की नारी क्या कर सकती है, उसी के बारे में चंद लाइनें बोल रही हूं। आज की नारी नहीं डरेगी, आज की नारी सब पे भारी, आज की नारी सब पे भारी, नहीं डरेगी नहीं झुकेगी, नहीं डरेगी नहीं झुकेगी, अंधियारे को दूर करेगी, नई सुबह हर दिन लाएगी, अंधियारे को दूर करेगी, नई सुबह हर दिन लाएगी। घर घर शिक्षा का दीप जलाएं, घर घर शिक्षा का दीप जलाएं, हर क्षेत्र में नारी कदम बढ़ाएं, हर क्षेत्र में नारी कदम बढ़ाएं। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी जी विराजमान, मुख्यमंत्री ममता जी बंगाल की शान, मुख्यमंत्री ममता जी बंगाल की शान। जब हर नारी का होगा सम्मान, जब हर नारी का होगा सम्मान, तब मेरा भारत महान, तब मेरा भारत महान। जय हिंद, जय नारी शक्तिकरण की, जय महिला दिवस। धन्यवाद।